बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमजद पठान, जो कि बॉम्बे प्रेस का एक रिपोर्टर हूँ। हम आए हैं खालिद मामू के वहाँ, जो कि महाराष्ट्र का रहवासी सुरक्षा संघ अध्यक्ष और महाराष्ट्र शिवसेना मुस्लिम लीडर, जिनको खालिद मामू के नाम से जाना जाता है। खालिद मामू, आपका स्वागत है बॉम्बे प्रेस में। हम जानना चाहेंगे कि अयोध्या के मामले के बारे में कुछ आपसे सवाल किए जाएगी। जैसा कि बताया जा रहा है कि जो उदय साहब अपने फैमिली को लेके और कहीं कार्यकर्ता को लेके अयोध्या पहुंचे हैं, तो ये बीजेपी को मतलब नाराजगी जताने पहुंचे हैं कि क्या मकसद है उनका? पहले तो मैं आपको एक बात क्लेरिफाई करा देना चाहता हूं, और आपके जो दर्शक लोग हैं उनको मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि मैं शिवसेना का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, ना ही मैं कोई प्रवक्ता हूं। हाँ, शिवसेना में मैं मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी में मैं ज़्यादा काम करता हूं, और यूँ समझिए मैं एक ब्रिज हूं मुस्लिम समाज और शिवसेना के बीच में। जो कहीं दिक्कत कोई काम होता है, बस मेरा इतना ही रोल है। मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। तो मेरी जो भी राय होगी वो शिवसेना की राय नहीं होगी, मेरी जो भी बातें होगी वो शिवसेना की तरफ से नहीं होगी, वो मेरा पर्सनल व्यू होगा एज ए शिवसैनिक। अब आपका सवाल ये था कि उद्धव साहब गए हुए हैं अयोध्या में, और मैं उसका ऐसा बताना चाहूँगा कि एक 15-20 दिन पहले डोंगरी सेंट जोसेफ स्कूल में एक घट प्रमुखों की शिवसेना की मीटिंग हुई थी। उसमें हमारे माननीय खासदार, राज्यसभा खासदार अनिल देसाई जी आए थे। उसमें वहाँ पर मैंने ये मेरी स्पीच के अंदर मैंने ये टॉपिक निकाला था कि आज बहुत चला हुआ है बाबरी मस्जिद, राम मंदिर और मुसलमानों में, और बहुत टेंशन वगैरह थोड़ा बहुत चल रहा है, क्या है कैसे हैं, और कुछ बातें मैंने मेरी तरफ से रखा था वहाँ पर। उसके जवाब में अमजद साहब, ऐसा है कि अनिल देसाई साहब ने ये कहा था अपने भाषण के अंदर, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उन्होंने कहा था कि हमारा मुसलमानों से कोई मतभेद या कोई नाराज़गी या कोई झगड़ा या कुछ नहीं है, उल्टा हम शिवसेना वाले हम जिम्मेदारी लेते हैं मुसलमानों की कि उनके बाल को धक्का नहीं लगेगा, हम जिम्मेदारी लेती हैं। लेकिन बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, जब सत्ता में आई उससे पहले उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को हाईलाइट किया था। जो हिंदुत्व लोग हैं, जो हिंदुत्व सेक्शन है, उनको खास बताया था मैनिफेस्टो के जरिए कि हम राम मंदिर बनाएंगे। और आज 4.5 साल हो गया है, तो साहब ने ऐसा कहा हमारे कि यह अभी तक बना नहीं, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये भी एक 15 लाख रुपया जैसा जुमला था? यानी कि अगर ऐसा है तो हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खेला गया है, ऐसा हमारा साहब, हमारे जो बड़े सीनियर हैं उनका सोचना है कि आपने जो मैनिफेस्टो में डाला है उस पर आप अटल अमल करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हमारे उद्धव ठाकरे साहब जाकर जो भी होगा करेंगे अपने हिसाब से। अच्छा, जैसा कि बताया जा रहा है कि खालिद जी के 4.5 साल जो कि बीजेपी सरकार और शिवसेना सरकार एक साथ में थी, तो अभी ये मुद्दा उठने की वजह क्या है? बाबरी मस्जिद और राम मंदिर इतने सालों, 4.5 सालों में जो कि उनको याद नहीं आई और अभी अचानक में ये मुद्दा उठा है? वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन ऐसा है ना कि आप किसी को भी मौका देते हैं एक चीज़ करने के लिए, साल, 2 साल 3 साल, माननीय प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर्स हैं, दूसरे भी काम है देश में, लेकिन किसी भी इंसान को कोई चीज़ का वक्त दिया जाता है। अगर आप किसी को पैसे देते हैं, वो कहता है मैं 1 साल में पैसे लौटा दूंगा, तो 4 महीना 5 महीना 6 महीना 8 महीना आप सवाल उठाओगे तो कब उठाओगे? 2-3 महीने पहले 4 महीने पहले कि भैया आपने तो ये कहा था, अभी आपने 6 महीना बोल के अभी इतना टाइम हो गया, ऐसे बोलकर वक्त जो दिया गया था उस पर हुआ नहीं। तो अब हमारे बड़े साहब को उचित लगा कि वो खुद जाके अपनी तरफ से कुछ करेंगे।
अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन हमारा ये था आपसे खाली जी, कि जैसा कि चिंटू शेख करके जो लाइव डिबेट करते हैं, शिवसैनिक लीडर अपने आप को साबित कराते हैं, तो इस बारे में आप क्या करो? और दूसरा के मुसलमानों के अगेंस्ट में ही हमेशा मन बात करते हैं वो, इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, चिंटू शेख करके हमारे शिवसेना पार्टी में शिवसेना प्रणीत शिव व्यापारी सेना के अध्यक्ष थे। शिवसेना प्रणीत ऐसा होता है यानी कि शिवसेना की अलायंस। तो ये एक संगठन शिवसेना शिव व्यापारी सेना करके एक संगठन थी जो शिवसेना से प्रणीत थी। चिंटू शेख साहब उसके अध्यक्ष थे। कुछ दो चार महीने पहले या दो तीन महीने पहले उद्धव साहब ने, जो भी इंटरनल रीजंस है मुझे पता नहीं है और मुझे जाना नहीं है, चिंटू शेख साहब की जो संगठन थी शिव व्यापारी सेना, सामना के जरिए, सामना पत्र के जरिए उद्धव साहब ने उसको निष्कासित कर दिया उसके, और ये डिक्लेयर कर दिया कि हमारा शिव व्यापारी सेना से कोई लेना देना नहीं है। चिंटू शेख, ये जो डिबेट आप बता रहे हो इससे मैं वाकिफ हूँ। चिंटू शेख जी जो है वो शिवसेना के कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं है, शिवसेना के कोई प्रवक्ता नहीं है। लेकिन जैसा कि वहाँ पे जो लाइव बताया जाता है तो वहाँ पे तो लिखाई दिखाई देता है कि मतलब लीडर्स कर गया। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहते हैं, शिवसेना नेता लिख कर आता है, वो सरासर गलत है। अब ये है कि हमारे हाई कमांड के जो लोग हैं शिवसेना भवन में, वो न्यूज़ चैनल वालों से बात करेंगे, उसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना गारंटी से बोलता हूँ कि ही इज़ नॉट एनी वेयर ए स्पोक्स पर्सन फॉर शिवसेना। वो शिवसेना के कोई प्रवक्ता नहीं है, कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है, ऑफिशियल नहीं है। हमारे ऑफिशियल कुछ गिने चुने हैं जिसमें से मैं नाम बताऊंगा। एक है हमारे दक्षिण मुंबई के खासदार अरविंद सावंत जी, हमारे एक नीलमताए गोरे एमएलसी नीलमताए गोरे जी हैं, और ऐसे कई हैं, लेकिन ही इज़ नॉट वन ऑफ देम। ये वो नहीं है, स्पोक्स पर्सन नहीं है। जो भी ये कहते हैं, कुछ मौलाना से डिबेट होती है या किसी से भी, ये उनका पर्सनल व्यू है और पर्सनल आर्ग्यूमेंट है। इसमें मैं आपको गारंटी से कहता हूँ शिवसेना का नहीं है, क्योंकि अनिल देसाई साहब ने जब मुसलमानों को सेंट जोसेफ स्कूल में समझाया था कि भैया ये कोई मुसलमान से इसमें कुछ भी नहीं है, तो बहुत ही वेरी सॉफ्टली, वेरी जेंटली, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया था, ऐसे अग्रेसिव पना से नहीं है। ये शिवसेना का एटीट्यूड नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा, चार छः दिन पहले बुल्दाना में एक मीटिंग हो रही थी, वहाँ पर अचानक अजान होने लगी, तो हमारे आदित्य साहब ठाकरे ने, आपने देखा होगा, उन्होंने अजान हो रही कहकर जो नेता स्पीच कर रहा था उसको स्पीच से रुकवा दिया उन्होंने। शिवसेना इतना सम्मान रखती है, आज कई काम करी है, इज्तिमा हो तो 9 ट्रेन स्पेशल ट्रेन देना, कब्रिस्तान का फंड पास कराना, रमज़ान में राशन, कई कई काम शिवसेना करती है। चोर बाजार में मस्जिद चले गई रात को, पांडुरंग सतपाल विभाग प्रमुख 12 बजे जाकर रमज़ान के महीने में मस्जिद की लाइट चालू करवाए। तो शिवसेना का ये एटीट्यूड नहीं है, मुसलमान से उनका कोई वो नहीं है, मतभेद कुछ भी नहीं है, जैसा आप बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। जैसा कि खालिद मामू से हमने बात की और उनका कहना है कि शिवसेना का ऐसा कोई एटीट्यूड और मुसलमान के बारे में कोई मतलब गलत विचार नहीं है और लोगों के तरफ ज़्यादा मतलब ध्यान ना दे। और खालिद मामू जी, लास्ट सवाल यह था कि आप हमारे जो दर्शकों को क्या मैसेज पहुंचाना चाहोगे? मैं दर्शकों को खासकर एक बात कहना चाहूँगा, खुदा के वास्ते जो भी हो अफवाहों पर मत जाना। ये मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। आज मेरे पास प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं, हमें काफ़ी चीज़ों का पता है, आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ऐसे कई संगठन हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, कि ऐसी कई संगठन हैं जो मुसलमान नाम रख कर टाइप करती है फेसबुक पर, अरे गलत हो गया ये वो, ये तो गलत बात है,
अरे मंदिर कैसे बनने देंगे हम, अरे हमको कुछ करना पड़ेगा, ये ऐसे बहुत चला हुआ है। आप अफवाहों पर मत जाए, अगर आपके पास कोई और वीडियो आ जाए फेसबुक या व्हाट्सएप पर, आप उस पर यकीन ना करें कि अरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को मारा जा रहा है, वहाँ पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, ये सरासर गलत है। हमारी सरकार, हमारी पुलिस जो भी है जैसी भी है, हमारी पुलिस काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन ये जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा, मेहरबानी करके किसी अफवाह पर मत जाइए, डू नॉट गो ऑन फॉल्स न्यूज़ एंड ऑल दैट, प्लीज़ डोंट डू दैट, ऐसा मत करना। खालिद जी ने जैसा कि बताया कि व्हाट्सएप और कोई भी अफवाहों के बारे में ध्यान ना दें हमारे दर्शकों को, और खालिद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बॉम्बे प्रेस से बात की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आप इतना वक्त निकाल कर यहाँ आए और मेरी जो मन की बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि कुछ मुसलमान मिसअंडरस्टैंडिंग में है शिवसेना के बारे में, मुझे, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे वो मौका दिया जो मैं मेरे लोगों तक बात पहुंचा सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए धन्यवाद।